कच्चे आलू का टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। इस तरह से बनाने से हमारा जो नाश्ता है बड़ा क्रिस्पी और कुरकुरा बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने दो कच्चे आलू ले लिए हैं जिनको कि हमने छील लिया है। तो चलिए इनको ग्रेटर से ग्रेट करते हैं। तो ग्रेटर में कई तरह से ये छेद बने हुए होते हैं, तो हमने ये जो लंबे साइज वाला है, मोटे, इससे थोड़े मोटे निकलते हैं, और आलू भी हमने बहुत बड़े साइज के लिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको ग्रेट करना। आप चाहें तो इनको डायरेक्ट पानी में भी कर सकते हैं, और बिल्कुल जो लंबे साइज वाला है इस साइड से करेंगे ताकि जो लच्छा है बिल्कुल लंबा लंबा गिरे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए मैंने लच्छे बना लिए हैं और इनको तुरंत पानी में डाल के धुल देते हैं ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। देखिए ये कितना झाग इसमें हो गया है, ये सारे स्टार्च हैं। तो इनको हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इन आलुओं को। आप चाहें तो निचोड़ लें या इस जाली वाला जो थाली आता है मैंने इसी में इनको रख लिया है ताकि पानी इनका निथर जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो इनको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए बाकी का प्रोसेस करते हैं। आलू को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल लिया है और इसमें अब इसकी बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच हम चावल का आटा डाल रहे हैं। आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं या कॉर्नफ्लावर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। आपके पास हो तो डालें, नहीं तो हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से हम मिला लेंगे। अभी ये 1 या 2 मिनट में अभी थोड़ा सा आलू है हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। हम बहुत ज़्यादा इसमें बाइंडिंग के लिए चीज़ें नहीं डालेंगे। मैंने इनको अच्छे से मिला लिया और ये देखिए हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमको क्या करना है, इनके छोटे छोटे बॉल बनाने हैं। आप चाहें तो बॉल बनाएं या टिकिया की शेप में बनाएं। आप घबराएं नहीं कि इनके आपके बने कम हमने बेस वो डाला है आटा तो इनके टिकिया नहीं बन पाएंगे। आप चाहें तो ऐसे ही बना दें। और दूसरी तरफ हमने पैन में तेल भी रख दिया है गर्म होने के लिए। अगर इस तरह से नहीं तो आप एक ये कटोरी ले लें या प्लेट ले लें और इसमें थोड़ा सा हम ऐसे डाल देंगे। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा बिल्कुल गोल टाइप का हो जाएगा। देखिए इस तरह से, और इनको हाथों में ऐसे पलट लेंगे। देखिए अब इनको हम पैन में डालते हैं। आयल भी गर्म हो गया है। इसी तरह से और भी डाल लेंगे। इनको क्रिस्प होने तक, एक साइड का क्रिस्प हो जाएगा तब हम इनको पलटेंगे। बीच में हमको इनको हिलाना डुलाना नहीं है। एक साइड का ये देखिए क्रिस्प हो गया है, तो इनको अब हम पलट देंगे और पैन में जितना आपसे अंट पाए उतना डालेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है तभी हमारा जो ये नाश्ता है आलू का क्रिस्पी हो सकता है। आप ये देख सकते हैं कि कितना करारा बना हुआ है, इसी में पता चल रहा है पैन में ही। इसी तरह से अलटते पलटते हुए अब इनको बारी बारी से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इनका कलर आया है, इसी तरह से बाकी भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी का भी हम ऐसे डालते हुए तल लेंगे। तो इनको मैंने सेलो फ्राई किया है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन सेलो फ्राई करने से ये होगा कि थोड़ा आपका आयल भी कम लगेगा
और ये अंदर से जो लच्छे हैं बिल्कुल दिखाई देंगे। इनको भी क्रिस्प होने तक तल लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, कुरकुरा नाश्ता आलू का बनके तैयार हो गया है। आप खुद देखिए कितना क्रिस्पी बना हुआ है ये। तो आप इन्हें किसी भी चटनी के साथ एंजॉय करें, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ। और इनका करारापन अभी हम दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड। और देखिए बिल्कुल ये किस तरह से जालीदार टाइप का बना है और कहीं से बिखरा भी नहीं है। तो अगर मेरी बनाई हुई डिश अगर आपको पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में सपोर्ट भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब अचानक से मेहमान आपके घर आ जाए, कुछ ना समझ में आए, तो सिर्फ दो कच्चे आलू से ये टेस्टी नाश्ता बनाकर उनको खिलाएं और वो ज़रूर आपकी तारीफ करेंगे। और क्रिस्पीपन इतना कि आप खुद देख सकते हैं फ्रेंड्स। और हाथों में आयल भी देख लीजिए आप। तो ये नाश्ता सिर्फ दो से तीन चीज़ों में बन जाता है फटाफट। आपके यहाँ ज़्यादा सामान ना हो तो भी आप फटाफट ये बहुत अच्छा स्नैक्स बना सकते हैं और कभी भी इनको बना के इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं बनी है तो बच्चों को तो बिल्कुल ही पसंद आएगी ये सब चीज़ें।